हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको घर में देसी घी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमको तीन आइटम ही चाहिए, तो मलाई चाहिए, पानी चाहिए और मिक्सी चाहिए। ये मैंने मलाई बनाई हुई है। मैं जो दूध उबालती हूँ, उबालने के बाद थोड़ी देर बाहर रखती हूँ, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने से ये होता है कि जो इसकी मलाई होती है वो थिक बन जाती है। फिर उसके बाद मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ। सारी मैंने हफ्ते की मलाई इकट्ठी की हुई है। अब आपने मिक्सी में इसको डालना है, इसके साथ पानी डालना है। मिक्सी में थोड़ा थोड़ा डाल के बीट करना है। बीट करने के बाद इसके ऊपर बटर आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा। देखिए पानी ऊपर आ गया है, बटर अलग हो गया। अब मैं इस बटर को, मैंने कढ़ाई गैस पे रखी हुई है, ये देखिए मैं पूरा पानी निकालूंगी इसका। इसको पेशेंस चाहिए क्योंकि इसका पानी सूखेगा। जो मैंने आपको पानी बोला था ना, जब मलाई डालती हूँ उसमें फिर मैं पानी डालती हूँ, पानी में से मैंने बटर लिया। पानी है ना, इसको मैं पतीले में डालूंगी। ये जो पानी है इसके साथ पनीर बनती है। घी को बनने में तो टाइम लगता है, ये देखिए अब हो ही रहा है तकरीबन। दूसरे साइड में दूध को उबाल रही हूँ, जब वो उबल जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसकी पनीर कैसे बनती है। जब बन रहा होता है ना, इसके साइड सारे चिपक जाते हैं, उसको ऐसे उतार के इसी में डालेंगे। ये थोड़ा बर्तन हैवी हो, मोटा हो, जिसके साथ आपको ये नीचे ना चिपके। अगर चिपके भी तो ऐसे हिला दीजिए। इस टाइम तो आपको इसके पास ही रहना पड़ेगा क्योंकि एकदम उबल के बाहर निकल जाता है। देखिए बन ही रहा है, ये देखिए अब हो ही रहा है तकरीबन। घी तो हो गया, अब इसको सेटल डाउन होने दीजिए। उसके बाद जब मैं छानूंगी मैं आपको वो भी बता दूंगी। ये दूध तो उबल रहा है ना, बस बिल्कुल इस स्टेज पे आप या इससे थोड़ा और भी कर लें तो इस स्टेज में आप इसमें विनेगर डाल, फिर इसको हिलाते रहिए, ये फट जाएगा। ये देखिए पनीर तो अलग हो गई, ये देखिए पानी भी निकल आया। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बंद करने के बाद नहीं फिटता, इसको फिर दोबारा ऑन कीजिए और हाई पे रख के इसको हिलाते रहिए, जिससे ये सारा का सारा पनीर निकल आएगा। ये देखिए कितना पनीर निकला, उसी दूध का निकला है जो मैंने, जिसमें से मैंने मलाई निकाली हुई है उसको बीट करके जो मक्खन निकाला, मक्खन के बाद जो दूध था उसको मैंने, ये मैंने निकाला हुआ है ये पनीर इसकी। अब आपकी मर्ज़ी, ये पनीर बड़ी हल्की होती है, आपकी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी खाइए, सब्ज़ी बनाइए या परोंठों में बनाइए, ये बड़ी अच्छी होती है।